जनता की पसंद के अनुसार प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुख्यमंत्री का चुनाव हो झारखंड में, तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारेगी। पत्नी की ये जो ताकत नहीं डेवलप हुई है झारखंड में, क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगी? आपको क्या लगता है? अच्छा, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है बाबूलाल मरांडी, ठीक है, लेकिन पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ठीक है। दूसरा मुद्दा है वहां पर, मालूम है आपको कि वहां पर एक लव जिहाद चल रहा है, जमीन जिहाद चल रहा है, ठीक है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर और सर पर है विधानसभा चुनाव। जी हाँ, विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, और ऐसे में हेमंत सोरेन की जो ये जबरदस्त एंट्री हुई है, एंट्री कहेंगे इसको इसलिए क्योंकि माना ये जा रहा है, राजनीति के विश्लेषक तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ज्यादा ताकत के साथ बाहर आए हैं जेल से। अब विधानसभा चुनाव में कितनी ताकत दिखा सकते हैं और वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें कितनी पैदा कर सकते हैं? पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ आ चुकी है चर्चा के लिए। हमारे साथ प्रदीप सर हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। सर स्वागत है आपका। और आपने देखा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते जेल जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक वक्त ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन तो पूरे फंस गए, अब क्या होगा, लेकिन देखिए कुछ अलग ही हो गया। उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन अब विधायक बन चुकी हैं और पति के साथ जिस तरह से खड़ी हैं, एक और 11 वाली तस्वीर दिख रही। क्या लगता है आपको, क्या लगेगा, क्या इसमें दागी है, जमानत पर आया है? अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, ठीक है, और उसके बाद अभी जमानत मिला है, तो इसमें कोई खास बात थोड़े है। उनकी अगर हम देखें, अगर कि आप ये पूछ सकती है कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, बिल्कुल मेरा सवाल वही है कि लोगों, हाँ, लोगों को ये समझना है कि देखिए बिहार में अलग तस्वीर है और झारखंड में अलग तस्वीर है, लेकिन झारखंड में ये समझना चाह रहा है कि हेमंत सोरेन की जो छवि थी, लोगों को ये लगा भ्रष्टाचार के मामले में गए हैं तो गिरेगी छवि, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब वो कहीं ज्यादा पावर में आ गए हैं। अब राजनीतिक रूप से और कितनी ताकत दिखा सकते हैं, लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव रहा, अब विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा कर सकते हैं? ऐसा है अर्पिता, दुर्भाग्य से मैं बता रहा हूँ, दुर्भाग्य से अपने देश में, ठीक है, जो मानसिकता है आम मतदाताओं की वो सामंतवादी है, ठीक है, और इस सामंतवादी मानसिकता के कारण अपने देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं ना। अच्छा। जनता किसी भी चोर डकैत लुटेरा घोटालाबाज भ्रष्टाचारी को इस आधार पे नकारती नहीं है कि वो भ्रष्ट है, पापी है, चोर है, ठीक है, यहाँ ये कोई अपराध नहीं है, स्वीकार्य है, स्वीकार है। हाँ, बिहार तो राजनीति में भ्रष्टाचार तो होता ही है, और विशेष रूप से बिहार और झारखंड, हाँ, चूंकि डीएनए एक ही है ना, बिहार झारखंड का एक ही राज्य से बंटवारा हुआ है, तो यहाँ पर, और केवल बिहार झारखंड की बात नहीं, पूरे देश भर में, यहाँ कुछ ज्यादा है लेकिन पूरे देश भर में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस तरह से देखा जाए अगर कोई मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है तो हेमंत सोरेन को तो झारखंड की पब्लिक सर्विस सर्वा ही मान रही होगी। अब भी मैंने कहा ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं, और मुद्दों के आधार पर जनता या तो हेमंत सोरेन को चुनती है या फिर बाहर का रास्ता दिखाती है, ठीक है, हाँ। तो लेकिन भ्रष्टाचार जो है, जेल जाना अपराध में कोई मुद्दा नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना, यहाँ पर करप्शन छोड़ दीजिए, यहाँ तो बलात्कारी सब जो है चुनाव जीत कर जीत सकता है इस देश में, चूंकि जनता में वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन का कारण नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, नहीं है, नहीं, सीधा जनता देखती है क्या पावर में कि रॉबिन हुड कौन है, रॉबिन हुड, ठीक है, हमारी जाति का कौन है, हमारे धर्म का कौन है, हमारा मैंने जो छोटा मोटा काम है दलाली का, जो छोटा, हाँ, वो कौन करवा देगा, ठीक, इस आधार पे वोट देती है। हाँ। अच्छा सर, समझेंगे आपसे कि देखिए 81 विधानसभा सीटें झारखंड की राजनीति दो ध्रुवीय है, इसको समझिए, ठीक है, एक ध्रुव में हेमंत सोरेन है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी है प्रमुख रूप से, ठीक है, दो इन दो दल है, और उसके अलावा तो जो छोटे मोटे जो आरजेडी हो गया या माले हो गया, इस तरह का छोटा मोटा, उसका कोई औकात नहीं है, ठीक है, इधर बीजेपी है और बीजेपी के साथ आजसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ये दोनों का गठबंधन है, और उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच है, ठीक है,
दोनों के बीच जो लड़ाई है वो बीजेपी, देखिए बीजेपी वहां कभी हारेगी नहीं जो वहां का जो स्थिति है झारखंड का उसमें, लेकिन बीजेपी अपनी गलतियों से हर चुनाव हारती है वहां पर। इस बार भी देखेंगे कि लोकसभा में बीजेपी का सीट घट गया, ठीक है, वैसे 9 सीटें जीती है एनडीए वहां, 8 सीट बीजेपी जीती है और 1 सीट आजसू जीता है, और वहां जेएमएम को 3 सीट मिला है, 2 सीट कांग्रेस जीती है। तो अभी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुमत है, पिछले बार 2 सीटें छोड़कर सभी सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन मोटे तौर पर विधानसभा चुनाव में भी मैं बता रहा हूँ जो वहां की परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी कभी चुनाव हारेगी नहीं। बीजेपी जब भी चुनाव हारती है तो अपनी गलतियों से हारती है। गलती नंबर वन क्या होता है कि बीजेपी का जो आलाकमान है बीजेपी में कांग्रेस का नकल करते हैं लोग अब, ठीक है। कांग्रेस क्या करती थी कि ताश के पत्ते की तरह मुख्यमंत्री बदलती थी, ताश के पत्ते की तरह प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता था, मतलब एक नेता के अलावे दूसरे की कोई औकात नहीं होती थी। बीजेपी में क्या होता है ऐसा नहीं है, लेकिन है क्या कि बीजेपी का जो सेंट्रल या स्टेट लीडरशिप होती है ना वो प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों पर थोपती है, मतलब नेता की पसंद के अनुसार प्रत्याशी आते हैं, ठीक है, नेता की पसंद के अनुसार मुख्यमंत्री बनता है कोई, नेता की पसंद के अनुसार कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता या जनता की पसंद के अनुसार नहीं होता। अगर सही सिलेक्शन नहीं हो पाता है बीजेपी से, सही है, अगर जनता की पसंद के अनुसार प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुख्यमंत्री का चुनाव हो झारखंड में तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारेगी। अच्छा, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, देखिए अभी तक कल्पना सोरेन मुख्य धारा में नहीं थी, लेकिन जितने वक्त तक जेल के अंदर रहे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन लगातार मीडिया के सामने आई, जितने भी जगहों पर रैली हुई लोकसभा चुनाव में, तमाम चुनाव प्रचार किया, तो अब उनकी भी एक महिलाओं में एक छवि बन चुकी है कल्पना सोरेन की। तो महिलाओं की नजर में, जिनको ज्यादा मालूम नहीं, महिलाओं की नजर में कल्पना सोरेन भी एक अच्छी राजनेता साबित हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है पति पत्नी की ये जो ताकत नहीं डेवलप हुई है झारखंड में, क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगी, आपको क्या लगता है? देखिए मैंने कहा ना, बीजेपी अगर अपने स्ट्रेंथ पे चुनाव लड़ेगी, हाँ, तो झारखंड में इतने मुद्दे हैं, हाँ, कि जो मुद्दे के उन मुद्दों को उठाकर, हाँ, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ सकती है। वहां पर बहुत ही अच्छा इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है बाबूलाल मरांडी, ठीक है, लेकिन बाबूलाल मरांडी को भी वहां पर यह समझना होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि उनके उनके व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर टिकट का बंटवारा हो और बाद में अपने गुट के नेताओं को विधायक और सांसद बनवाने की लड़ाई हो, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मैंने बताया कि अगर सही टिकट का बंटवारा करे तो बीजेपी के लिए वहां पर फिर मौका है, अदरवाइज और कई मुद्दों के आधार पर भी, जैसा पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ठीक है, दूसरा मुद्दा है वहां पर, मालूम है आपको कि वहां पर एक लव जिहाद चल रहा है, जमीन जिहाद चल रहा है, ठीक है, क्या होता है वहां मालूम है आपको, वहां पर भोले भाले आदिवासियों लड़कियों, आदिवासी लड़कियों के साथ कई जिले ऐसे हैं संथाल परगना के जहां पर कि ये अभियान चल रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान या बंगाली मुसलमान आते हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उनकी जमीन पे कब्जा करते हैं, फिर उन आदिवासी भोली भाली लड़कियों को पंचायत चुनाव में खड़ा करते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, और उस पंचायत प्रतिनिधि जो होता है सरपंच मुखिया वगैरह जो आदिवासी महिलाएं जीतती है चुनाव, उसका उसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल करके वहां पर अपना साम्राज्य, आर्थिक और गुंडागर्दी का भी साम्राज्य अपना खड़ा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो जबरदस्त रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है वहां पर, एक अलग प्रकार का जिहाद चल रहा है वहां पर, ईसाई मिशनरियों के द्वारा जिस प्रकार से आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है वह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस विषय को नहीं समझ पा रहा है, आश्चर्य है। अगर इन मुद्दों पर बीजेपी गौर करे तो वहां तस्वीर बदल सकती है। कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा में सर आपने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि भले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन डट गए हों दोबारा से मैदान में और जेल से बाहर आने के बाद एक अलग माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी अगर नब्ज को पकड़ पाती है, झारखंड के लोगों की दिक्कतों को समझ पाती है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है,
तब बीजेपी के लिए अलग तस्वीर दिखेगी झारखंड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड की तमाम खबरें, खास तौर पर चुनाव से जुड़े खबरें हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।